बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपके कार्यालय में जो महिला का सम्मान किया गया है वो किस कारण किया गया है? आज मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास चरण, आज प्रधान कार्यालय में हमने डिस्ट्रिक्ट जिला देवरिया के श्रीमती उर्मला देवी का हमने सम्मान इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस महिला को मैंने टिकट के उम्मीदवार के रूप में परिहज विधानसभा 2022 के इनको राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से मैंने इनको संयोजक बनाया, जिसमें समस्त कार्यकर्ता गणों ने इनका सर्वसम्मत से इनका नाम प्रस्ताव में रखा और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद सभी महिलाओं ने इनका जो है उसके वजह से इनका स्वागत समारोह किया। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ने की उम्मीदवार? जिला देवरिया उत्तर प्रदेश 2022 में बरहज विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज हमारी जो महिलाएं जो उपस्थित हैं, इसमें हमारी श्रीमती मीनू देवी है, हमारी श्रीमती खातून जी है, और हमारे जो है कुमारी लक्ष्मी देवी भी है, हमारी ललिता देवी, और इनके साथ हमारे एक वरिष्ठ नागरिक असीम अंसारी जी हैं, मौजूद हैं, ये जिला देवरिया के हैं, ये भी अपने चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस में आकर के हमें सुकून मिला है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।